एक तरफ जहां बिहार सरकार क्वारंटीन सेंटर में सभी सुविधाओं को मुहैया कराने की बात कर रही है, वहीं मनेर के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों का आरोप था कि क्वारंटीन में रखे गए 28 वर्षीय महिला की दो दिन से खराब थी, परंतु इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कई बार इलाज कराने का महज आश्वासन दिया गया। महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने इस लापरवाही में सेंटर में क्वारंटीन किए गए लोग आकर्षित हो गए और सड़क जाम कर दी। महिला की तबीयत बिगड़ने पर क्वारंटीन किए गए लोगों ने NH-30 को जाम कर दिया और खूब बवाल काटा। इसी बीच करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। आपको बताते चलें कि हाल ही में मनेर प्रखंड के एक क्वारंटीन सेंटर से एक व्यक्ति भी भाग गया था, जिसे बाद में प्रशासन ने पकड़कर दोबारा क्वारंटीन किया। ब्यूरो रिपोर्ट। कोई उसका कोई मर जाएगा तो आप कोई देगा सर? कितना दिन से आप लोग यहाँ पर हैं? हम लोग का आज आठ नौ दिन हो गया है। क्या नाम है? क्या भीड़ है वो लोग अगर अंदर है तो? ये सर जो अंदर है और बाहर में जो हो रहे हैं सर, ये तो भीड़ नहीं है हमारे, ये मतलब उसमें कितने लोग भी होंगे बाहर से आए हुए, जो भी होंगे अगर उनमें से एक का भी होता है तो हमारे हमें भी होंगे सर, सभी को होगा। और यहाँ जो सब सेफ है इनको हो या नहीं ये मत बताइए कि क्या करना चाहिए। हमको कहने का मतलब है आप पहले खुद सुरक्षित रहिए, उनके बाद दूसरों को सजेस्ट कीजिए। भीड़ भाड़ सुरक्षित नहीं है, आप भीड़ भाड़ छोड़िए उसके बाद समझाना शुरू कीजिए, ठीक है? जो है तीन घंटा से चिल्ला रहा है, उसका समस्या का समाधान होना चाहिए। चिल्लाने का कारण? अच्छा, तो आपने CO को कंप्लेन किया? CO भी कॉल किए, दो कॉल किए, नहीं उठाए। तीसरा कॉल में बात हुआ है, बोले कि भेज रहे हैं, डॉक्टर भेज रहे हैं, एम्बुलेंस भेज रहे हैं, अभी तक नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महेंद्र हुआ।